आज से कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाके देख सकते हो। अब उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सूर्य की किरणों को धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लगते हैं। तो अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, लास्ट तक देखते रहें। चलिए दोस्तों कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। ब्रह्मांड हमेशा से ही मनुष्य के लिए जिज्ञासा का विषय बना रहा है। आदिकाल से ही मनुष्य ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और समझने की कोशिश करता रहा है। कुछ ऐसे ही कौतूहल मनुष्य के मन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को लेकर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर पृथ्वी और सूर्य के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है और सूर्य की किरणों को धरती तक पहुँचने में कितना समय लगता है। वैसे ये बात तो हम सब जानते हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह अलग अलग समयावधि से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो इससे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने को ही दैनिक गति कहा जाता है। और इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में अपना परिक्रमण पूरा करती है, जिससे पृथ्वी पर एक वर्ष होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट UA के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य और पृथ्वी की औसतन दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है या फिर 9,39,60,000 मील है। अब आप ये तो जान गए कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो चलिए आप जानते हैं कि सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की इन्हीं किरणों से धरती पर प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है और पृथ्वी पर जलवायु और मौसम में परिवर्तन का काम करती है। तो यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।